हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, हिंदी की कविता बोलना किस किस को अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आज हमारा हिंदी का काम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम हिंदी में सीखेंगे एक कविता। ये कविता आपकी हिंदी की बुक का जो पार्ट 6 है ना बेटा, वहाँ पर दे रखी है। और ये कविता किससे संबंधित है? चींटी और मक्खी से संबंधित। देखो यहाँ फोटो भी दिखा रखा है ना आपको, ये चींटी है और ये मक्खी है। मक्खी के पंख होते हैं ना, मक्खी उड़ती है। ठीक है, देखते हैं इस कविता में क्या है। आप सब भी अपनी बुक ओपन कर लें और जो लाइन मैं बोलूँ आपने मेरे बाद सेम लाइन रिपीट करनी है, काफ़ी अच्छा लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चींटी से मक्खी यूं बोली, बोलो बेटा, चींटी से मक्खी यूं बोली, सुन रही मेरी बहना भोली, तू दिन भर पचती मरती, तभी पेट अपना तू भरती, तुझे कभी आराम नहीं है, देख मुझे कुछ काम नहीं है। चींटी कह रही है ये, चींटी किसको कह रही है? चींटी से मक्खी यूँ बोली, चींटी को कह रही है ये मक्खी। मक्खी कह रही है ना कि है ना, तू दिन भर पचती मरती है, तब तू कहीं अपना पेट भर पाती है। पचती मरती मतलब कि बहुत ही मेहनत करती है। मक्खी बोल रही है चींटी को कि तू दिन भर बहुत मेहनत करती है, तब जाके तुझे तू अपना पेट भर पाती है, और तुझे तो कोई आराम भी नहीं है। और ये मक्खी क्या कह रही है? मुझे तो कुछ काम नहीं है। फिर आगे क्या होता है चलो देखते हैं। जहाँ करे मन मैं उड़ जाऊँ, जो जी में आए सो खाऊं, तू दाना दाना लेकर जाती, मैं भिन 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 गीत सुनाती, ओ बहना हम तुम मिल जाएं, दिन भर खाएं दिन भर गाएं। ये बातें कौन बोल रहा है? ये मक्खी बोल रही है चींटी से। बोल रही है कि जहाँ पर भी मेरा मन करता है मैं तोड़ जाती हूँ, जो मन में आता है वो खाती हूँ, और तू क्या करती है? सारा दिन दाना दाना लेकर जाते हैं। देखा ना आपने चींटी को, मेहनत करती है ना वो, सारा दिन जो है छोटा सा दाना उठा के अपने बिल तक लेके जाती है, जब कहीं जाकर उसका पेट भरता है। फिर देखते हैं चींटी क्या कहती है इसके जवाब में। चींटी बोली, नैरी नैने मुझे न ऐसा काम सिखाना, बिन मेहनत के दूध मलाई, गिर कर खाई तो क्या खाई, मेहनत का हो सूखा दाना, थोड़ा हो पर सुख से खाना। देखो कितनी अच्छी बात कही है ना चींटी ने। चींटी बोल रही है मक्खी को कि नैरी नैने कि भाई नहीं, मुझे ऐसा काम मत सिखाओ, मैं तो मेहनत करके ही खाऊंगी, बिना मेहनत के दूध मलाई खाने का क्या फ़ायदा। क्योंकि देखो आपने देखा होगा कई बार ना, जो मक्खी होती है वो मलाई खाने के उसमें दूध में ही गिर जाती है, या हलवाइयों के पास आपने देखा होगा उस मलवाई की जो कढ़ाई होती है, मिठाई होती है, उसमें बहुत सारी मक्खियाँ चिपकी होती है ना, क्योंकि वो बगैर मेहनत के खाना चाहती है, जिससे कई बार उसका नुकसान भी हो जाता है, वो उन पर ही चिपक जाती है और जाती है उन्हीं चीज़ों में गिर के। तो चींटी ने इस मक्खी को बहुत अच्छा जवाब दिया, बोली बिन मेहनत की दूध मलाई, गिर कर खाई तो क्या खाई। आगे देखते हैं फिर ये क्या कहती है चींटी। मैं मेहनत करके खाती हूँ, तभी सदा आदर पाती हूँ, तुझको जो देखे झल्लाए, कहीं नहीं तू आदर पाए, जो मेहनत से कतराते हैं वे जीवन भर पछताते हैं। वेरी गुड, चींटी ने तो मक्खी को बहुत अच्छा जवाब दिया। चींटी तो कह रही है कि मैं तो मेहनत करके खाती हूँ, और तभी तो आदर। देखो जो मेहनती होते हैं सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना। घर में भी आपने देखा होगा, अगर दो तीन बच्चे हैं, जो बच्चा मेहनती होता है, मम्मी पापा की मदद करता है, सबकी हेल्प करता है, अपना स्कूल का होमवर्क अच्छे से करता है, मेहनत करके पढ़ाई करता है, तो मम्मी पापा को भी वही बच्चा अच्छा लगता है ना। वो बच्चा तो अच्छा नहीं लगता जो अपना मेहनत भी नहीं करे, घर का भी काम ना करे, ना ही पढ़ाई करे, बिल्कुल सारा सारा दिन सोता रहे या टीवी आग के आगे बैठा रहे। तो आपने भी देखा होगा कि जो बच्चे मेहनती होते हैं मम्मी पापा को वही अच्छे लगते हैं। उसी तरह से सब जगह लोग उसी को ही पसंद करते हैं जो मेहनत करके अपना काम करता है, अपना जीवन यापन करता है। लेकिन जो ये मक्खी है, मक्खी क्या है, सारा सारा दिन भिन भिन करके घूमती है, और जहाँ मर्जी जो खाना मिल जाए उसको खाने की सोचती है। और ये है ना, इस चींटी को भी कह रही थी कि
वे मेरे साथ घुमा कर और ऐसे करेंगे। लेकिन चींटी ने इस मक्खी को बहुत अच्छा जवाब दिया। फिर देखते हैं क्या होता है लास्ट में। यह कहकर चींटी मुस्काई, मक्खी घबराई शर्माई, अभी बात याद जब आए, मक्खी हाथ मले पछताए। अच्छी पोयम है ना, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। देखो इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें मेहनत करनी चाहिए, है ना। ऐसे मुफ्त में कुछ भी खाने की नहीं सोचनी चाहिए, हमें मेहनत करके ही खाना चाहिए। मेहनत से हमें कतराना नहीं चाहिए, मतलब कि पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम मेहनत करेंगे तो सब जगह हमारी रिस्पेक्ट होगी, सब हमें आदर से देखेंगे। आपने देखा होगा घर में मक्खी जब आ जाती है तो उसको भगाया जाता है, कहते ना चल 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 भाई, खाने को गंदा करेगी यूं और यूं। लेकिन जब भी हम चींटी को देखते हैं तो हमें अंदर से यूं आता है कि देखो चींटी कितनी मेहनती जो जीव है, कितना मेहनती जीव है चींटी। तो हमें चींटी से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी दिन रात मेहनत करनी चाहिए। करोगे ना बेटा दिन रात मेहनत? चलो इसी प्रेरणा के साथ ये मैं आपको काम देती हूँ कि इस पोयम को आप लिखें भी और याद भी करें और गुनगुनाएं, और मेहनत की जो आपने शिक्षा ली है उसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।